आम आदमी पार्टी के लोकसभा की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। न सिर्फ मीटिंग का दौर बल्कि किसी भी आम सभा में अब आम आदमी पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव के लिए वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार के खिलाफ अब जम के और खुल के जनता से बातें कर रहे हैं। ये तस्वीर है फतेहपुर बेरी इलाके की। एक अस्पताल के उद्घाटन के दौरान दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक बार भी अस्पताल के बारे में जिक्र नहीं किया। नेताजी के हाथ में जब माइक आया तो उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद किया और उसके बाद शुरू हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई के ऊपर। जिस तरह एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं पर ईडी द्वारा कार्रवाई हो रही है, इस पर सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार यह नहीं चाहती कि विपक्ष उनके सामने खड़ा हो और इसीलिए वह लगातार ईडी की कार्रवाई करा रही है। वही जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के जितने भी कार्रवाई है सभी ठंडे बस्ते में चली जाती है। लिहाजा ऐसे हालत में नेताजी ने जनता की मौजूदगी में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वोट की अपील शुरू कर दी। मौजूद है इस कार्यक्रम में दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय भी थी। उन्होंने भी कहा दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल सरकार के काम को देखा है और वही बात फिर से काम के नाम पर अरविंद केजरीवाल को वोट आमंत्रित करता हूं। वही ईडी के द्वारा कार्रवाई पर दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। के कदर में इसलिए पीछे ले जाना चाहता हूं कि आपको याद हो 1857 के कदर में ये दोनों गांवों को इकट्ठा करके अंग्रेजों ने काट दिया था। मतलब 12 साल से ऊपर के बच्चे बच्चे को उड़ा दिया था। यहाँ की जगह है गुदगुद जहां ये इकट्ठे किए थे और ये सारे सारे बिल्कुल उड़ा दिए और सरकार के नाम जमीन कर दी थी। कुआ जितने भी थे वो सारे ठोक के भर दिए थे, काये से अढ़ाए से लकड़ी से, लेकिन कोई भी सरकार की जगह रही नहीं यहाँ। बिल्कुल वो लोगों की जगह नहीं रही। अब भी इस वक्त 550 बीघे जमीन 1915 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया कि भाई तुम 8 रुपया पर बीघा दे। किस तरीके की सुविधाएं जो क्षेत्र के लोगों को? आज हम फतेहपुर बेरी अस्पताल में खड़े हैं और ये नगर निगम का अस्पताल है और यहाँ सबसे बड़ी जो जहाँ की जनता की मांग थी वो थी जच्चा बच्चा की सुविधाओं की। और यहाँ पर नगर निगम और यहाँ के जो हमारे विधायक हैं करतार सिंह जी, हमारे पार्षद हैं सुंदर सिंह जी, इन सब की मेहनत से और नगर निगम के तमाम अधिकारियों की मेहनत से आज यहाँ पर 20 बेड की जो जच्चा बच्चा की सुविधा का हमने शुरुआत करी है। और कल ही अभी पता लगा यहाँ पर एक डिलीवरी भी हुई है और एक महिला ने एक बेटे को जन्म दिया है और उसको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। यहाँ की तमाम जनता है यहाँ पर कब से, यहाँ मेरा आज तीसरा विजिट है, पिछली 2 विजिट में भी पता लगा था कि सबसे बड़ी मांग जनता की यही है कि यहाँ पे आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं उनको ऐसी सुविधा के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था और आसपास कोई सुविधा नहीं थी, तो अब इस सुविधा की शुरुआत कर दी गई है। और अभी मेरी अधिकारियों से और डॉक्टर से यहाँ बात हुई है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी, एम्बुलेंस की फैसिलिटी, ब्लड बैंक की फैसिलिटी नहीं है और आने वाले समय में हम ये सब भी सुविधाओं का जो है सुविधाएँ देने की पूरी कोशिश करेंगे।
और एक और मांग है दिल्ली यहाँ की जनता की कि यहाँ पर 100 बेड का अस्पताल बने, उसके लिए दिल्ली सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से हम इस पर चर्चा करेंगे और कोशिश की जाएगी कि इसी कैंपस में काफ़ी जो ज़मीन है वो खाली पड़ी है और दिल्ली सरकार और नगर निगम की ज्वाइंट एफर्ट से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसी सुविधा और ऐसा अस्पताल हम यहाँ बना सकें आने वाले इस समय। बिल्डिंग की नींव करतार सिंह जी ने रखी थी जी। और जिन्हीं के सामने ये सपना पूरा भी हो रहा है, क्षेत्रवासियों के लिए कितना फायदेमंद होगा? देखिए मेरा मानना है करतार सिंह जी ने, हमारे विधायक जी ने इस बिल्डिंग को खड़ा किया, एक अलग से अटैचमेंट होगा उनका जब कोई अपनी मेहनत से और जनता के लिए कोई सुविधा सेवा भावना से शुरू करता है और अब एक चीज़ ऐड ऑन करी है तो मुझे लगता है आज उससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। और आने वाले समय में यहाँ पर हर एक मांग को पूरा किया जाएगा, जैसे मैंने अभी मंच पर भी बोला, अभी यहाँ के विधायक और पार्षद अभी पिछले हफ्ते भी मेरे पास आए, यहाँ पर एक बारात घर की सुविधा भी है इस विधानसभा में, उसकी भी कमी है तो उस पर भी काम जारी है, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हर वो गारंटी, हर वो जो हमने प्रॉमिस दिल्ली की जनता को किया है, और रही बात स्वास्थ्य की तो शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी पार्टी का हमेशा से प्राथमिकता रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे नगर निगम में हमने माना बहुत चैलेंजेस हैं, हमारे लिए स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ, पर आने वाले 2-3 सालों में आप देखेंगे स्कूलों में और अस्पतालों में दिल्ली सरकार से भी एक बेहतरीन मॉडल हम देने की कोशिश करेंगे। आज कार्यक्रम में आप लोगों से अपील कर रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या माना जाए लोकसभा चुनाव की तैयारी है जैसे? देखिए अगर जनता हमारे काम से खुश होगी तो ज़रूर वोट डालेगी और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार दिया और आप देख सकते हैं सालों से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदें भी लगाईं हम उस पर पूरा खरा उतरे हैं और आने वाले समय में भी मैं पूरा आश्वासन देती हूँ दिल्ली की जनता को कि आम आदमी पार्टी हर वो कोशिश करेगी जो दिल्ली की जनता की मांग है और आने वाले समय में अगर हमें विकास चाहिए या हमें अभी आने वाले पीढ़ियों के लिए, हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतरीन समाज बनाना है, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एक बेहतरीन ऐसी जगह देनी है जहाँ पर आकर उनकी करियर भी बढ़िया बन सके तो आम आदमी पार्टी को ज़रूर चुनेगी। और दिल्ली की जनता से अपील है कि आम आदमी पार्टी पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम भी पूरा आश्वासन देते हैं कि ऐसे ही जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो सुविधाएँ जिसकी ज़रूरतें हैं उनकी हम स्वास्थ्य को लेकर आप लोग बात कर रही हैं, स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए, सीबीआई जांच हो रही है अस्पतालों को, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, दवाइयों को लेकर, कैसे देखती क्या बीजेपी घेर रही है आम आदमी पार्टी को? देखिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और दिल्ली में कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी आउट हो चुकी है और नगर निगम में जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आउट हो गई हर षड्यंत्र रचने के बाद भी, तो अब वो बौखलाहट ऐसे निकाल रहे हैं, वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं और मुझे लगता है अब जनता को भी समझ आ रहा है कि कैसे एक एक करके हमारे एक एक करके एक ही पार्टी के नेताओं को टारगेट करेंगे तो आने वाले समय में जनता भी समझेगी और आने वाले समय में जनता इस चीज़ का जवाब भी देगी। यहाँ के लोगों ने लोकसभा उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था नीचे कार्यक्रम में। देखिए राजनीति है और जितनी मुँह उतनी बातें और जनता है, कभी कोई कुछ बोलेगी तो कोई कुछ बोलेगी, ये ऊपर वाला या हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं वही सब डिसाइड करेंगे क्या है और आने वाले समय में वही है। मैं पूरी आशा रखती हूँ कि दिल्ली की जनता ऐसा आशीर्वाद हम पर बनाए रखे। थैंक यू सो मच। क्या माना जाए लोकसभा चुनाव की तैयारी है जैसे? देखिए अगर जनता हमारे काम से खुश होगी तो ज़रूर वोट डालेगी और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार दिया और आप देख सकते हैं सालों से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदें भी लगाईं हम उस पर पूरा खरा उतरे हैं और आने वाले समय में भी मैं पूरा आश्वासन देती हूँ दिल्ली की जनता को कि आम आदमी पार्टी हर वो कोशिश करेगी जो दिल्ली की जनता की मांग है और आने वाले समय में अगर हमें विकास चाहिए या हमें अभी आने वाले पीढ़ियों के लिए, हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतरीन समाज बनाना है, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, एक बेहतरीन ऐसी जगह देनी है जहाँ पर आकर उनकी करियर भी बढ़िया बन सके तो आम आदमी पार्टी को ज़रूर चुनेगी और दिल्ली की जनता से अपील है कि आम आदमी पार्टी पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम भी पूरा आश्वासन देते हैं कि ऐसे ही जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो सुविधाएँ जिसकी ज़रूरतें हैं उनकी हम स्वास्थ्य को लेकर आप लोग बात कर रही हैं, स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए, सीबीआई जांच हो रही है
अस्पतालों को, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, दवाइयों को लेकर कैसे देखती है, क्या बीजेपी घेर रही है आम आदमी पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और दिल्ली में कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी आउट हो चुकी है और नगर निगम में जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आउट हो गई हर षड्यंत्र रचने के बाद भी, तो अब वो बौखलाहट ऐसे निकाल रहे हैं, वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं और मुझे लगता है अब जनता को भी समझ आ रहा है कि कैसे एक एक करके हमारे एक एक करके एक ही पार्टी के नेताओं को टारगेट करेंगे, तो आने वाले समय में जनता भी समझेगी और आने वाले समय में जनता इस चीज़ का जवाब भी देगी। बहुत बहुत लोगों ने लोकसभा उम्मीदवार भी घोषित कर दिया कार्यक्रम में। देखिए राजनीति है और जितनी मुँह उतनी बातें, और जनता है, कभी कोई कुछ बोलेगी तो कोई कुछ बोलेगी। ये ऊपर वाला या हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वही सब डिसाइड करेंगे क्या है और आने वाले समय में वही है। मैं पूरी आशा रखती हूँ कि दिल्ली की जनता ऐसा आशीर्वाद हम पर बनाए रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुंदर जी, आपके वार्ड में एक बहुत ही बड़ा कार्य हो रहा है जो इस इलाके में, जैसा हमने भी कई लोगों से बात की थी, सुविधाएं नहीं होने के चलते कई महिलाओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सबसे पहले इसके बारे में बताइए क्या होता है। सबसे पहले तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और अपना जो हमने यहां पर हॉस्पिटल में एक जच्चा बच्चा केंद्र खुलवाया है उसकी पूरे क्षेत्र को बधाई। मैं पूरे क्षेत्र की जानकारी में, वैसे तो सबको मालूम है कि हमारे माननीय विधायक करतार सिंह तंवर जी जब निगम पार्षद थे 2012 में, उस समय इनके प्रयास से ये पूरा भवन तैयार हो गया था और यहाँ पर उस समय प्रपोजल इन्होंने बनाया था कि 50 से 100 बेड का यहाँ हॉस्पिटल बनाया जाए, लेकिन जैसे ही ये विधायक बने उसके बाद तुरंत वो काम वहाँ पे वहीं रुक गया। भवन तो तैयार था लेकिन बिल्डिंग पूरी खाली थी। तो हमें निगम पार्षद बनते ही पूरे हमने क्षेत्र के बीच में संकल्प किया था कि हम इसमें एक जच्चा बच्चा केंद्र बनवाएंगे और हमें एक वर्ष के अंदर ये उपलब्धि प्राप्त हुई है कि हमने यहाँ पर आज 20 बेड का जो हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र, प्रसूति केंद्र यहाँ पर बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर अभी दो दिन पहले डिलीवरी भी हुई है, सफल डिलीवरी हुई है, तो मैं बधाई भी देता हूँ उनके परिवार वालों को। और ये सौगात आज पूरे क्षेत्र को विधायक जी और हमारी माननीय मेयर डॉक्टर शैली अवराय जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज जी आज पूरे क्षेत्र को इस सौगात को सौंपने जा रहे हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और क्षेत्रवासियों को फिर एक बार बधाई देता हूं। उन्होंने जो एक चैन बनाई है, आम आदमी पार्टी का विधायक, आम आदमी पार्टी का काउंसलर, दिल्ली के अंदर सरकार, आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार, उसका नतीजा है कि आज ये चैन बहुत तेज़ी से पूरे क्षेत्र में एक विकास की लहर दौड़ा रही है। हमारे क्षेत्र में विधायक जी ने भी बताया होगा कि सीवर का जो कार्य है एक बहुत बड़ा चल रहा है, लगभग 175 करोड़ का काम वो भी शुरू हो गया है। तो ऐसे ऐसे काम बहुत क्षेत्र में अभी और होने जा रहे हैं। सभी को मैं बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद।